तो द एसेज एक ऐसी सीरीज जो आईसीसी टूर्नामेंट के बाद सबसे नामी गिरामी और चर्चित सीरीज है, जिसकी फैन फॉलोइंग वैसे ही है जैसा आईसीसी टूर्नामेंट में देखने को मिलती है। जी हाँ, इसको ना ही सिर्फ इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ऑडियंस नहीं देखती, इसको पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट फैंस जितने भी हैं वो सब देखते हैं और सब निगाहें लगा के रखते हैं कि भैया इस बार का एसेज कौन जीतेगा। तो भैया इस बार का एसेज तो हो चुका है, तो उसका हम करेंगे पोस्टमार्टम, क्या क्या रहा और क्या क्या रही अच्छी बातें और क्या रही बड़ी स्टोरी और क्या रही छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, इन सब बातों पर करेंगे गौर इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। एसेज रिव्यू 2023, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि भैया क्या हुआ पहले टेस्ट से लेके पांचवें टेस्ट तक, क्या क्या मूवमेंट रहे, क्या बड़े मूवमेंट थे, क्या ऐसे मूवमेंट रहे जहां पे थोड़ी हीट उत्पन्न हो गई थी, जहां पे थोड़े हमें लड़ाई झगड़े देखने को मिले, कौन से वो डिसीजन थे जो नहीं लेने चाहिए थे एज अ टीम ताकि दूसरी टीम को भी अच्छा लगता, और क्या ऐसी लड़ाई नोक झोंक थी जो कि मैच में जान फूंकती थी, इन सब बातों पे कर लेते हैं चर्चा। पर चर्चा करेंगे पहले मैच से जो कि खेला गया था बर्मिंघम में। तो भैया इस मैच में उतरने से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पता था कि भैया हमें लेना है रिवेंज। अब रिवेंज वो कैसे लेते, रिवेंज उनको लेना था ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत ही बुरी तरीके से वो हार करा रहे थे, 4-0 से वो हार करा रहे थे और एक मैच ड्रॉ हो गया था शुगर है, वरना 5-0 का क्लीन स्वीप हो सकता था पर हुआ नहीं, बेहतरीन वो ड्रॉ था पर 4-0 भी कम नहीं होते। तो उसी का बदला देने उतरी थी इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड में मैच थे तो फेवरेट मानी जा रही थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो है दोस्तों नहीं भी तो नहीं 3-2 से ये सीरीज जीतने वाली है और नहीं तो इससे ज़्यादा, 4-0, 4-1 या फिर 5-0 से क्लीन स्वीप कर देगी। पर हुआ क्या वो तो आपके सामने है, तो उसी पे डाल देते हैं थोड़ी सी नज़र। तो दोनों ही टीमें आती हैं बर्मिंघम पहला टेस्ट खेलने और पहला टेस्ट में कि पहली बॉल से हमें ऐसा पता चल जाता है कि भैया ये जो टेस्ट है ये सिर्फ नाम का टेस्ट है, मीनिंग जो यहाँ खेली जाएगी वो खेली जाएगी एज अ वन डे मैच। जी हाँ, बेहतरीन मैच देखने को मिला और जैसे कि आप सबको पता है कि जब से ब्रेंडन मैककुलम इंग्लैंड के कोच बने हैं तो बेसबॉल नाम की जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है और एक बेहतरीन ही रोमांच उत्पन्न कर देती है टेस्ट मैच में। तो ऐसा ही कुछ हुआ इस पहले मैच में भी, जहां पहले ही दिन इंग्लैंड जो है 393 रन मार देती है और डिक्लेयर कर देती है 8 विकेट पे और ऑस्ट्रेलिया को कहती है कि पहले ही दिन आप आइए और खेलिए। और ये इतना ही बड़ा स्कोर था जो बहुत आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो या तो ये 2 दिन में बनता था या 4 सेशन में बनता था, पर ये पहले दिन हो गया था और आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लिया था कि भैया आप भी खेलिए और थोड़े से विकेट हमें दे जाइए। तो भैया इस इनिंग में जो रूट ने जबरदस्त तक बनाया था, अगर आपको याद होगा जॉनी बेस्टो की 78 रन की वो पारी आई थी जिसने उसमें थोड़ा सा मजा ही बांध दिया था, वहीं शुरुआत होती है अब ऑस्ट्रेलिया गेम में उतरती है और ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छा स्टार्ट लेती है और वहां पर उस्मान ख्वाजा जो है शतक मार देते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही करीब थी स्कोर को चेस करने के, मात्र वो 7 रन से रह जाती है और 386 रन पे ऑल आउट हो जाती है, वहीं लीड मिल जाती है 7 रन की इंग्लैंड को। तो वहीं इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 7 रन की लीड के साथ उतरती है और इस बार भी वो अपने खेलने में कोई भी बदलाव नहीं करती है, वैसे ही खेलती जैसे पहली इनिंग में खेलती थी और इस बार भी तेज तर्रार बल्लेबाजी करती है। पर इस बार उनकी टीम थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, कोई भी प्लेयर 50 रन नहीं मार पाता और इसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हीरो बनते हैं पैट कमिंस एज अ कैप्टन, वो लीड करते हैं और 4 विकेट लेते हैं, वहीं उनका साथ देते हैं पहली इनिंग के भी हीरो नथन लॉयन जो लेते हैं 4 विकेट। पर पहली इनिंग में वो खासे महंगे साबित होते हैं पर दूसरी इनिंग में वो जबरदस्त 4 विकेट लेते हैं और 4-4 विकेट दोनों ये प्लेयर ले लेते हैं। तो इंग्लैंड की इनिंग तो लड़खड़ानी ही थी, वहीं टोटल अब जो ऑस्ट्रेलिया के सामने था वो था 281 रन का, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता था क्योंकि इनिंग जो है ये चौथे और पांचवें दिन पहुंच चुकी थी, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पिच भी उस तरीके की हो जाती है और इंग्लैंड के पास भी वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, जहां एक तरफ जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉबिन्सन, रूट, स्टॉक्स, मोइन अली ये सब थे, लग रहा था कि थोड़ी सी चुनौती उत्पन्न होगी। पर ख्वाजा ने एक बार फिर से 65 रन की पारी खेली और बताया कि भैया पहली इनिंग में भी फॉर्म में थे और इस इनिंग में भी वो फॉर्म में है और उसी का उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली 65 रन की। पर उसके बाद जो है मिडिल ऑर्डर बिल्कुल लड़खड़ा गया और मैच में इंग्लैंड ने वापसी कर ली और लग रहा था कि इंग्लैंड जो है दोस्तों ये मैच इजिली जीत जाएगा, 8 विकेट आपके देखेंगे तो हो चुके थे
उसके बाद जहां गेंदबाजी के हीरो रहे पैट कमिंस और नथन लियॉन, एक बार वो फिर से दोस्तों मैच में जान बना देते हैं, और इस बार वो बॉलिंग से नहीं बल्लेबाजी से साझेदारी करते हैं। और ये जो सेलिब्रेशन है पैट कमिंस का, आपको हमेशा याद रहेगा अगर ऐसे इसकी बात होती है। बहुत ही जबरदस्त मैच था, मजा ही आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 1-0 की लीड ले ली थी, जो कि लग रहा था कि भैया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हार सकती है। और इसके बाद इंग्लैंड के जो डिसीजन थे, पहली इनिंग को जल्दी ऑल आउट कर देना और दूसरी इनिंग में भी थोड़ा तेज खेलना, इस पर काफी सारे सवाल उठे। मीडिया ने उनको बहुत वो क्रिटिसाइज किया, लेजेंड्स जो रह चुके हैं उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, पर इसके बावजूद वो क्या ही करते, रिजल्ट तो अब आ चुका था। 1-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे चली गई थी और इंग्लैंड जो है दोस्तों थोड़ी सी पीछे हो चुकी थी। तो इन सब के बीच में वहीं पहले मैच के हीरो रहे उस्मान ख्वाजा बन जाते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। इस हार के बाद अब दोनों ही टीमें पहुंच जाती है लंदन, जहां इंग्लैंड चाहती है कि भैया अब हम सीरीज को 1-1 से लेवल करें, वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि भैया इस सीरीज को हम 2-0 से बढ़त बनाएं और थोड़ा और प्रेशर बढ़ाएं इंग्लैंड पे, क्योंकि इंग्लैंड जो है दोस्तों दबाव में महसूस कर रही थी। तो दोनों ही टीमें आ जाती हैं लंदन, और लंदन में जीत लेती है टॉस इंग्लैंड और ले लेती है गेंदबाजी। इस बार बल्लेबाजी को पहले नहीं करते हैं, करवाते हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया को, बोलते हैं कि भैया पहले आप आइए अब खेलिए। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों खेलती है, पर इस बार जो वो खेलते हैं वो बिल्कुल बेस्ट बॉल को फॉलो करते हैं, और जिस तरीके से इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पहली इनिंग में खेला था बिल्कुल वैसे ही खेलते हैं, और 100 ओवर के भीतर वो मार देते हैं 416 रन, जिसमें बहुत ही जबरदस्त इनिंग आई थी डेविड वार्नर की। उसके बाद स्टीवन स्मिथ का शतक आया था, और उसके बाद ट्रेविस हेड के 50 रन की बदौलत उन्होंने मार दिए थे 416 रन। एक बहुत ही बड़ा स्कोर था इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड उतरती है, और इंग्लैंड दोस्तों इंग्लैंड के लिए जो इस पूरे एसेज में रहा वो ये रहा कि जेम्स एंडरसन, जो कि उनके बहुत ही मेन बॉलर थे, वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखे, और एक विकेट ही लेते रहे या फिर विकेट लेस गए, जिसका खामियाजा इंग्लैंड को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। और इस मैच में उन्होंने मात्र एक विकेट लिया, उसके बाद इंग्लैंड के मैच के लिए उतरती है, और मैच में 325 रन पर सिमट जाती है, जहां इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर दो दो रन से चूक जाते हैं। जहां क्रॉली जो है दोस्तों 50 रन से मात्र 2 रन से चूक जाते हैं, वहीं बेन डुकेट जो है इतनी बेहतरीन पारी खेलने के बावजूद 2 रन से चूक जाते हैं अपने शतक से, और 325 रन पर इंग्लैंड जो है दोस्तों ऑल आउट हो जाती है। और इस इनिंग में जो है मिस्टर स्टार्क अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और बताते हैं कि भैया हम भी हैं, और हेजलवुड ने उनका बेहतरीन साथ देते हैं, 2 विकेट वो भी ले जाते हैं, और भाई मजा ही आ जाता है। थोड़ा सा प्रेशर वो रिलीज कर देते हैं पैट कमिंस और नथन लियॉन से कि भैया हम भी हैं, थोड़ा मिल बांट के विकेट लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बढ़त मिल जाती है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को पता था कि भैया बहुत बड़ी बढ़त है, तो इसमें अगर हम थोड़े से रन और जोड़ लेते हैं तो बहुत ही इजीली बहुत बड़ा टारगेट बन जाएगा। पर इस बार इंग्लैंड जो है दोस्तों ऐसा नहीं करने देती है, ओवर उनको बिल्कुल उतने ही खिलाती है। पिछली बार 100 ओवर में 416 रन मार दिए थे, वहीं इस बार 101 ओवर खेल के 289 रन मारते हैं, और विकेट इस बार ले जाते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉबिन्सन जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, और जेम्स एंडरसन इस बार भी एक विकेट ही ले पाते हैं दोस्तों। तो उनकी फॉर्म बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है इंग्लैंड की हार का, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप भी जरूर बताना। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, तो दोस्तों इंग्लैंड उतरती है एक बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा करने का, लगभग 370 रन का टारगेट उनके सामने होता है, और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि भैया टॉप ऑर्डर कुछ अच्छा करके देगा जैसे पहली इनिंग में दिया था, और जो रूट बेरस्टो बेनस्टॉक ये सब बड़ी बड़ी पारियां खेलेंगे, तो इनमें से ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और बेनस्टॉक की दोस्तों 155 रन की पारी आई थी, और वो लग रहा था उसने बिल्कुल याद दिला दिया था हमें लास्ट एसेस की जो इंग्लैंड में हुई थी, जहां पर बेनस्टॉक ने एक विकेट से इंग्लैंड को मैच जिताते हैं, और एक बेहतरीन पारी उन्होंने वहां पर भी खेली थी सिंगल हैंडेडली, और ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल यहां भी वो वैसे खेले थे। 155 रन उन्होंने मारे थे और लग रहा था कि वो सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को मैच जिता देंगे, पर स्कोर बहुत बड़ा था लगभग 370 के आसपास, तो ऐसा हो नहीं पाया, और उनके विकेट गिरते ही इंग्लैंड जो है दोस्तों मैच से बाहर हो गई, और इंग्लैंड जो है दोस्तों वो मैच भी हार गई, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और बढ़त बना ली 2-0 की। तो भाई साहब मजा ही आ गया। और यहाँ पर दोस्तों जो है प्लेयर ऑफ द मैच बने स्टीवन स्मिथ, जबरदस्त उन्होंने शतक मारा था पहली इनिंग में, और इसके बाद वो 2 मैच हार चुके थी और इंग्लैंड, तो 2-0 की बढ़त बन चुकी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो 2-0 की बढ़त बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मनसूबे हो जाते हैं बहुत ऊपर और इंग्लैंड हो जाती है पीछे, पर बेन स्टोक एक स्टेटमेंट देते हैं कि भैया अगर हम 2-0 से पीछे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीरीज हार जाएंगे, हम अगले 3 मैच भी जीत सकते हैं, और आप मेरे शब्दों को याद रखना, हम ऐसा जरूर करेंगे और हम कम बैक जरूर करेंगे। सबको लग रहा था कि भैया ये तो ऐसी बोलने वाली बात है, ऐसा होगा नहीं। वहीं दोनों इस सब स्टेटमेंट के बीच में और इतने सारे क्रिटिसिज्म के बीच में दोनों ही टीमें पहुंच जाती हैं लीड्स,
जहां पर ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि भैया ये मैच जीते और सीरीज खत्म करें, वहीं इंग्लैंड चाहती है कि भैया इस मैच को जीते और अगले तीनों मैच जीत कर सीरीज हम जीतेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो दोस्तों अब आ जाता है टॉस का टाइम और इस बार भी टॉस की हैट्रिक लगा देती है इंग्लैंड और वो इस बार भी टॉस जीत जाती है और वो चाहती है कि इस बार वो बल्लेबाजी करे। पर इस बार इंग्लैंड जो है दोस्तों थोड़े से कर लेती है चेंजेस और वो करती है दो चेंजेस, जहां पर जेम्स एंडरसन दोस्तों बहुत ही बड़ी मतलब उनके लिए दिक्कत हो रही थी कि वे विकेट नहीं ले रहे थे तो उनको बिठा देते हैं उनकी जगह आते हैं मार्क वुड और डंग को भी बिठा देते हैं उनकी जगह आते हैं वो क्रिस वोक्स, तो दो को ये अंदर इन होते हैं और दो हो जाते हैं आउट। लग रहा था कि भैया कुछ तो मिलेगा, गलत किया जेम्स एंडरसन को, इन्होंने बिठाया इतना सीनियर प्लेयर था, क्यों बिठाया क्या बिठाया, तो दोस्तों उसका जवाब इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। अगर आपने देखा होगा मैच तो, क्योंकि ये पिच जो है दोस्तों पेसरों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली थी तो ऐसा लग रहा था कि भैया यहाँ पर पेसर्स को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा ही हुआ भी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया को इस बार निमंत्रण देती है इंग्लैंड की, भैया इस बार आप आगे खेलिए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों वो मात्र 263 रन पर सिमट जाती है, जहां पर मिचेल मार्स 118 रन मारते हैं, उसकी 118 रन की मदद से ही ऑस्ट्रेलिया 263 तक पहुंचती है, 60 ओवर का खेल वो खेल पाती है। और इस मैच में जो है दोस्तों देखने वाली बात यही थी कि कोई भी टीम ज्यादा ओवर्स नहीं खेल पाई, 50-60 के हेर फेर में ही रही। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 60 ओवर खेल पाई, 236 रन उन्होंने मारे, 263 रन उन्होंने मारे माफ कीजिएगा, उसमें जल मार्स का 118 रन का शानदार शतक था। और वहीं जिन दो खिलाड़ियों को इन कराया था इंग्लैंड ने, उन्होंने अपनी जो है प्रेजेंस वहां पर साबित करी, जहां मार्क वुड ने 5 विकेट लिए, वहीं क्रिस वॉक्स ने 3 विकेट लिए, स्टुअर्ट को 2 विकेट मिले। तो उन्होंने बताया कि भैया बेंच पे मत बिठाओ, हमारे पास काबिल है हमें खिलाओ। तो वहीं दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग के लिए उतरती है और मात्र 227 रन पर सिमट जाती है। बहुत ही बुरा हाल था, मतलब लग रहा था कि भैया क्या ही ये पिच दे दी, जहां पर पैट कमिंस जो है दोस्तों 6 विकेट ले जा देते हैं और स्टार्क 2 विकेट ले जा देते हैं और इंग्लैंड को जो है नस्ते नाबूद कर देते हैं। और उसके बाद लीड मिल जाती है किसको, ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल जाती है, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से कोई भी बल्लेबाज चलता नहीं है, अच्छी फॉर्म दिखाई नहीं किसी ने भी, स्टॉक्स के 80 रन थे, उसके अलावा कोई भी नहीं चला और गेंदबाजी में पैट कमिंस ने जबरदस्त 5 विकेट 6 विकेट लिए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उतरती है दोस्तों मैदान पे, तो लग चुका था कि ये जो है बॉलिंग पिच है और यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब ऑस्ट्रेलिया उतरती है इस बार ऑस्ट्रेलिया 224 रन पर सिमट जाती है और इस बार ऑस्ट्रेलिया के हाई स्कोर रहते हैं ट्रेविस हेड जो 70 रन मारते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं चलता। और गेंदबाजी में एक बार फिर से क्रिस वोक्स और मार्क वुड अपना लोहा मनवा लेते हैं और इस बार उनका साथ देते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड भी, तो सब ये मिल बांट के विकेट ले जा देते हैं और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को जो है सस्ते में निपटा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि भैया अगर हम दो मैच जीत चुके हैं और पहली इनिंग में भी हमने इंग्लैंड को इजीली आउट कर दिया था, पैट कमिंस ने 6 विकेट लिए थे, तो क्या पता वो भी इस बार ये ऐसे करें और इंग्लैंड को जो है दोस्तों इजीली हरा। 250 रन का जो है लक्ष्य इन्हें मिलता है तीसरे मैच में, इंग्लैंड को 250 रन थे, पर पिच जिस तरीके की थी पेसरों को बहुत ज्यादा मदद कर रही थी, लग नहीं रहा था कि 250 जो है मतलब लग रहा था 450 के मुकाबले होंगे, तो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला था इंग्लैंड के लिए भी। तो इस बार जो है दोस्तों कौन चलता है, इस बार चलता है ट्रेविस हेड जो है बेहतरीन पारी खेलते हैं, उनका साथ निभाते बेस्टो और इस मैच के सूत्रधार जो मतलब लिखते हैं लास्ट में कि भैया एंडिंग कैसी होनी चाहिए वो भी लिखता है कौन, क्रिस वॉक्स और मार्क वुड की साझेदारी होती है। और जहां लग रहा था कि इंग्लैंड जो है दोस्तों ये मैच भी हार जाएगी क्योंकि बैट्समैन जो है प्रॉपर बैट्समैन जो थे वो आउट हो चुके थे और मार्क वुड पिच पे थे, तो लग रहा था कि भैया बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगी, इनको समेट देगी, पर ऐसा नहीं होता है। इन दोनों की जोड़ी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही थी उसी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी भी करती है और इंग्लैंड जो है दोस्तों ये मैच जीत जाती है। और जो भी वादे मेन स्टोक ने किए थे मैच से पहले वो पूरे हो जाते हैं, तो मतलब मजा ही आ जाता है मैच ऐसे सीरीज में, थोड़ा सा रोमांच लौट आता है और जबरदस्त मजा आने की पूरी पूरी चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। तो इस मैच में जो है मैन ऑफ द मैच भी मार्क वुड बनते हैं और लग रहा था कि ये मैच जो है प्रॉपर उन्हीं के लिए सेट था, मतलब पहली इनिंग से लेके आखिरी मैच बैटिंग तक, उन्होंने अभी चौथी इनिंग की बैटिंग तक सब कुछ मार्क वुड के इधर इर्द गिर्द की घूमा और वो बनते भी थे और डिजर्व भी करते थे इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनना। तो सीरीज अब जो है दोस्तों वो 2-1 से बराबर हो चुकी थी, अब बचते हैं 2 मैच, तो मैच में थोड़ी सीरीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो 2-1 की बढ़त लेने के बाद इंग्लैंड के मंसूबे में थोड़ी सी जान आ जाती है, वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि भैया एक मैच ही जीतना है बस, वो जीते और सीरीज यहीं पे खत्म करें। तो दोनों ही टीमें दोनों ही अपने अपने मंसूबों के साथ उतर जाती हैं मैनचेस्टर में और मैनचेस्टर में पहले से ही आशंका लग जाती है कि भैया देखो 5 दिन का खेल है पर उसमें से 2 दिन बारिश के होने वाले हैं, तो भैया थोड़ा सा जल्दबाजी करनी पड़ेगी वरना दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों वहीं
चौथे टेस्ट और चौथा टॉस होने की नौबत आ जाती है और चौथा टॉस कौन जीतता है, क्या लगता है आपको कौन जीता होगा? तो भैया इस बार भी इंग्लैंड जो है दोस्तों चौथी बार टॉस जीत जाती है और इस बार वो बोलती है ऑस्ट्रेलिया को कि आप आइए और खेलिए। तो ऑस्ट्रेलिया को बुलाती है, बैटिंग के लिए आमंत्रित करती है। ऑस्ट्रेलिया इस बार आती है और 317 रन मार देती है 90 ओवर में लगभग, पर इस बार कोई भी बड़ी पारी नहीं आती, शतक कोई नहीं मारता उनकी तरफ से, सब 50-51, 50-51, 48 का सबका हेर फेर में वो जो है रह जाते हैं खिलाड़ी। पर विकेट इस बार भी कौन ले जाता है, क्रिस वोक्स 5 विकेट ले जाते हैं और मार्क वुड भी टीम में रहते हैं, इनका नहीं हटाया गया। जेम्स वो एंडरसन वापस करते हैं, बस वो 1 ही विकेट ले जाते हैं फिर दोबारे, जो कि बहुत ही दुखद था हम जैसे फैंस के लिए। जेम्स एंडरसन की ऐसी फॉर्म देखना पड़ना, वो अगर टीम में हो तो दो तीन विकेट तो उनके बनते थे, पर इस एसेज में ऐसा लगा कि वो फॉर्म में नहीं है। 1 विकेट उनको मिलता था वो भी कोई टैलेंटेड का मिल गया या बहुत ही मुश्किल है कि टॉप ऑर्डर से मिल जाता था, इससे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए नहीं है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड की पहली इनिंग की, तो इंग्लैंड तो भैया बेस्ट बॉल ही खेलती है और ऐसा लगता है कि इसके अलावा वो खेलती नहीं है। 592 रन उन्होंने मारे और वो भी मात्र 100-105 ओवर में मेरे ख्याल से, और इसमें जो सबसे अहम पारी खेली वो खेली थी किसने, जैक क्रॉली ने 182 रन मारे थे 189 बॉल्स में, और ऐसा लग रहा था कि भैया ओडीआई मैच चल रहा है टेस्ट का, कहीं से भी जिक्र लग ही नहीं रहा था जिस तरीके से इनिंग चल रही थी। सारे प्लेयर्स जो थे इंग्लैंड के 50 मारे, मोइन अली हो जाए, जो रूट, बेरस्टो, मैन स्टोक्स, सबने उसमें 68 मारा। और जो सबसे थोड़ा सा दुखद था वो ये था कि बेस्टो जो है दोस्तों ने 99 नॉट आउट लौटे, जेम्स एंडरसन इस बार भी धोखा दे गए, वो नहीं रुक पाए और उनका विकेट गिरते ही इंग्लैंड जो है ऑल आउट हो गई 592 में, और बेस्टो जो थे वो 99 पे नॉट आउट लौटे, जो कि थोड़ा सा दुखद था क्योंकि इससे बड़ा दुख जो है वो अब आने वाला था। वो इस तरीके से था कि जब ऑस्ट्रेलिया जो है इनिंग में उतरती है तो लगभग 175 रन के पास आसपास उनके पास लीड मिल जाती है किसको, इंग्लैंड को, ट्रायल होता है और चौथा अभी भी 2-2.5 दिन बचते थे, तो लग रहा था कि रिजल्ट जो आ जाएगा। और जो बेन स्टोक ने स्टेटमेंट कही थी कि हम वापसी करेंगे वो लगभग पूरी होती हुई दिख रही थी, इंग्लैंड 2-2 की बराबरी में पहुंचती हुई दिख रही थी, पर तभी लमिजन के शतक आ जाता है, बेहतरीन इनिंग वो खेल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी लटकाती पर उनका शतक जो है मजबूती देता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है 214 पे 5, फिर भी मात्र 30-40 रन की ही वो बढ़त मिली थी ऑस्ट्रेलिया को, लग रहा था कि ज्यादा ज्यादा ये 100-150 रन पे सिमट जाएंगे और इंग्लैंड जो है दोस्तों ये मैच जीत के सीरीज बराबर कर देगा। पर होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि भैया बादल गरज जाते हैं और जैसे कि अनुमान लगाया गया था कि 2 दिन बारिश यहाँ पे होनी ही होनी है, वो कौन से होगी, वो ये थे तीसरे चौथे पांचवें में, पर तीसरे दिन बारिश नहीं होती, बारिश होती है चौथे और पांचवें दिन, और पांचवें दिन तो एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती और मैच हो जाता है ड्रॉ। तो दोस्तों इस मैच में सिर्फ 3 इनिंग चली गई थी, जिसमें पहली इनिंग में जो है सबसे ज्यादा विकेट जिसने लिए थे वो कौन थे आप बताएंगे हमें, क्रिस वोक्स थे वो, उन्होंने वहां पे 5 विकेट लिए थे। दूसरी इनिंग में हेजलवुड 5 विकेट ले जाते हैं और तीसरी इनिंग में हो ही नहीं पाती, 214 पर ही रुक जाती है और मैच जो है दोस्तों ड्रॉ हो जाता है, जो कि बहुत ही दुख देने वाला था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के फैंस को, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका था इंग्लैंड को ये मैच जीतने का, और अगर मैच होता तो इंग्लैंड 100% ये मैच जीतने वाली थी और सीरीज 2-2 से बराबर हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। इंद्रदेव थोड़े से नाराज थे और वहां पे बरसात इतनी हुई कि वो मैच हो ही नहीं पाया और इंग्लैंड जो है दोस्तों वो 2-1 से पीछे ही रह गई और ये मैच ड्रॉ हो गया, चौथा टेस्ट यहाँ पर ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा पानी फिर गया इंग्लैंड की क्या कहें सोच पे कि भैया हम जीत सकते थे, तो जो भी था ये हुआ इस चौथे मैच में। उसके बाद दोनों ही टीमें 2-1 की बढ़त के साथ पहुंच जाती हैं कहां, तो सीरीज अब 2-1 की बढ़त के साथ पहुंच जाती है लंदन। इस बार ये नहीं जाते हैं लॉर्ड्स, ये आते हैं किंगस्टन ओवल, तो बहुत ज्यादा चांस थे कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो थे वो बिल्कुल पम्प्ड अप थे कि भैया 2 मैच वो लगातार जीत सकते थे अगर बारिश ना पड़ती, पर उनके मंसूबे बहुत ऊंचे थे और वो चाहते थे कि भैया ये सीरीज ये मैच तो उन्हें जीतना ही जीतना है, चाहे बारिश आ जाए उससे पहले हम इतना ताबड़तोड़ खेलेंगे कि बारिश भी अगर आ जाए तो भी हमारे पास इतने ओवर बचे रहें कि हम जो है इस मैच में रिजल्ट निकाल सकें और वो रिजल्ट जो होगा वो हमारे पक्ष में होना चाहिए। तो इसीलिए इसी को सोच के साथ इंग्लैंड जो है दोस्तों मैनचेस्टर में आई थी पिछले मैच में भी, पर वहां पड़ गई बारिश, पर इस बार लंदन में जो वो सोच के आई थी वो करके ही जाएगी ऐसा मानो महसूस हो रहा था उनकी हर एक जो भी वो कदम उठा रहे थे। तो दोस्तों टॉस आ जाता है 5वें टेस्ट का और इस बार फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों टॉस जीत जाती है और इस बार वो कर लेती है बॉलिंग पहले, तो इंग्लैंड को बोलती है कि भैया आप आइए और खेलिए। तो इंग्लैंड जो है दोस्तों मात्र 50-55 ओवर इस बार भी खेलती है और हो जाती है ऑल आउट, स्टार्ट यहाँ पर 4 विकेट। इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों हैरी ब्रोक जो है सबसे ज्यादा 83 रन मारते हैं और 283 रन पे इंग्लैंड जो है दोस्तों ऑल आउट हो जाती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस बार उतरती है और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा
जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भैया क्रिस वोक्स जो है फॉर्म में चल रहे हैं, मार्क वुड जो है फॉर्म में चल रहे हैं, इन सबको नजर में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को बस ये करना था कि भैया टाइम बताना था पिच पे और मैच को ड्रॉ या अपने पक्ष में ले जाना था। तो ऑस्ट्रेलिया चाहे इंग्लैंड मात्र 50 से 55 ओवर खेल रहा है, वहीं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो 100 ओवर खेल रहा है लगभग, पर स्कोर जो है वो 283 से आगे मारने में मात्र थोड़े ही 295 मारता है, वो भी स्टीवन स्मिथ के 70-71 रन की मदद से। और अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती थी और दिक्कत आ चुकी थी। अगर पैट कमिंस और निम मर्फी के जो 30-34 रन थे लास्ट में 7-8 विकेट के लिए, अगर वो नहीं आते तो इंग्लैंड जो है यहाँ से बढ़त ले जा सकती थी, पर उसके अब भी ज़्यादा वो नहीं हुआ, वो मात्र 7-8 रन की ही बढ़त मिलती, 10-12 रन की ही बढ़त मिलती है ऑस्ट्रेलिया को। और जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉबिनसन और सब ने जबरदस्त गेंदबाजी करी, सब ने अपने अपने हिस्से के विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ी बढ़त लेने से रोक दिया। तो इंग्लैंड जो है दोस्तों बैच बॉल खेलती है, उनका एक ही मंत्र है और उनको मैच जीतना था, बारिश आए चाहे कुछ हो जाए, तो वो वैसे ही खेलते हैं। और इस बार भी जब वो सेकंड इनिंग में उतरते हैं तो उनके मनसूबे कुछ वैसे ही रहते हैं और वो इस बार भी 60-70 ओवर में, 50-60 ओवर में दोस्तों इस बार भी वो बहुत ही जबरदस्त 395 रन मार देते हैं, जहां पर सभी 50 रन मारते हैं और वो भी ऐसे मान लग ही नहीं रहा था टेस्ट के लिए, सब ओडीआई खेल रहे हैं और ऐसे 100 के स्ट्राइक रेट है, सबने रन मारे और बेन स्टोक्स इस बार जो है फर्स्ट डाउन आ जाते हैं और एज ए कैप्टन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन्होंने 40-45 रन की मारी खेली, पर वो भी ऐसी तेज तर्रार थी कि जिसने पूरा जो है एक सेट कर दिया था प्रोग्राम कि भैया अब इसी लेवल पे खेलना है। उसके बाद जो रूट आते हैं वो भी दावा दौड़ खेलते हैं, हैरी ब्रोक, जॉन ब्रेस्टो, सब ने रन मारे, लॉर्ड जो है थोड़ा सा कम रह जाता है पर फिर भी 400 रन के आसपास जो है दोस्तों टारगेट मिल जाता है किसको, ऑस्ट्रेलिया को। और अब आता है मैच में ट्विस्ट कि भैया अब आप यहाँ से मैच जीतो, नहीं तो बारिश का इंतजार करो, नहीं तो रिजल्ट जो है इंग्लैंड के पक्ष में जाएगा और सीरीज जो है वो रह जाएगी ड्रॉ। पर गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, वहीं पे दोनों ने ये स्टार्क 4 विकेट लिया था, मर्फी 4 विकेट लिया था, दोनों इनिंग में स्टार्क 4 विकेट लेते हैं और बता देते हैं कि भैया वर्ल्ड कप का ये साल चल रहा है तो हमने तो फॉर्म में आना बनता ही है। 400 के आसपास का ये जो स्कोर था, ऑस्ट्रेलिया को चेस करना था सीरीज जीतने के लिए, तो भैया डेविड वॉर्नर और ख्वाजा के जबरदस्त 500 की मदद से एक अच्छा स्टार्ट मिलता है। 134 रन में मेरे ख्याल से वो नाबाद लौटते हैं, चौथे दिन ऐसा कुछ था और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच इजिली जीत जाएगा, पर अगले ही दिन मैच में आता है ट्विस्ट और विकेट गिरने जो स्टार्ट होते हैं वो एक तरफा मोमेंटम बना देते हैं। वहीं दोस्तों स्टीवन स्मिथ का भी 50 आता है, उसकी साझेदारी होती है ट्रेविस हेड के साथ, लग रहा था कि एक थोड़ा सा दोबारा से मोमेंटम क्रिएट होगा, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाएगा, पर उनके विकेट गिरते ही कोई भी ऐसी बड़ी पारी नहीं आई। एलेक्स कैरी थोड़ा सा खेल रहे थे लास्ट में, पर वो भी कब तक संभाल लेते, तो उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया जो है मैच से बिल्कुल बाहर हो गई और विकेट ले गए क्रिस वोक्स इस बार भी, और मोइन अली ने 3 विकेट लिए। तो जबरदस्त टीम एफर्ट देगा इंग्लैंड का इन लास्ट के 3 मैचों में और उन्होंने ये मैच जीत लिया और इसी के साथ सीरीज जो है 2-2 से ड्रॉ कर दी। और इंग्लैंड के जो कप्तान ने स्टेटमेंट दी थी कि भैया हम ये सीरीज में कम बैक करेंगे, उसका बिल्कुल उन्होंने पूरा पूरा एक एक बात सच करवाई और वो अगर बारिश ना पड़ती तो इंग्लैंड जो है दोस्तों 3-2 से ये सीरीज जीत सकती थी। पर इस ओवरऑल सीरीज में जो है दोस्तों मजा आने में कोई भी कमी नहीं रही, एकदम ट्विस्ट टर्न सब कुछ दिखा, हमें बहुत ही जबरदस्त मजा आया दोस्तों। लास्ट सीरीज जो एक तरफा हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीती थी, इस सीरीज में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और एक इंटरेस्टिंग जो बनाता है सीरीज को वो सारी चीजें इसमें थी, मिर्च मसाला सब कुछ था, तगड़ा मजा आया, बहुत ही जबरदस्त ऐसे जैसे कि हर बार की तरह रहती है। दोस्तों आपको ऐसे कैसी लगी ये मुझे भी बताना कमेंट में और इस बार की सीरीज में क्या लगता है लास्ट वाली सीरीज से ये सब बताना दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली में, तब तक के लिए।